हे गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। टुडेस टॉपिक इज वैदिक कल्चर। तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन है सूर्य, सवित्र, मित्र, विष्णु। तो विष्णु इज द करेक्ट आंसर। विष्णु जी ने तीन पगों में तीनों लोगों को नाप लिया था। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक में पूषण, रुद्र, दयोस, अदिति। सूची दो में पशुओं का देवता, अनैतिक आचरण से संबंधित देवता, आकाश के देवता, देवताओं की माता। तो अदिति देवताओं की माता, दयोस आकाश के देवता, रुद्र अनैतिक आचरण से संबंधित देवता, पूषण पशुओं के देवता। तो ए का वन, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर। ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थव्यवस्था से। मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। ऑप्शन टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ऑप्शन टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? आर्यों की विशेषता नहीं है, ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। हाँ, वो परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे? नहीं, वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऑप्शन टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन है अस्किनी, परशुणी, कुंभा, विपाशा। तो कुंभा काबुल नदी का पुराना नाम है। तो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से था। ऑप्शन टू इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन हैं केवल वन, केवल टू, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? ऑप्शन हैं पारजीटर, एसीदास, बीजी तिलक, जैकोबी। तो करेक्ट आंसर इज बीजी तिलक। तिलक जी ने कहा था कि आर्य आर्कटिक होम वाले इलाके से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वैदिक कल्चर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। वैदिक नदियाँ दे रखी हैं सूची एक में और सूची दो में उनका आधुनिक नाम दे रखा है, कुंभा, पुरुषणी, सदानीरा, सतुद्री। ये वैदिक नदियाँ हैं। आधुनिक नदियों वाले नाम हैं गंडक, काबुल, रावी, सतलज। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी कुंभा काबुल नदी को बोलते हैं। तो एका टू, परशुणी भी हम पढ़ चुके हैं, रावी नदी को बोलते हैं। तो बी का थ्री, सदानीरा गंडक को बोलते हैं, सतुद्री सतलज को बोलते हैं। तो ए का टू, बी का थ्री, सी का वन, डी का फोर। ऑप्शन टू इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।